गर्मी के सीजन में वन विभाग के लिए जंगलों को आग से बचाना एक बड़ी चुनौती होती है। इसी चुनौती से निपटने के लिए वन विभाग फायर सेफ्टी अभियान चला रहा है। आपको बता दें कि वन विभाग की टीम गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रही है, जिससे लोग बीड़ी सिगरेट जैसे धूम्रपान जंगलों में न कर सके। वहीं वन विभाग ने लोगों को चेतावनी भी दी है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी तरह से आगजनी करते हुए पाया गया तो उस पर वन अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा, जिसमें 6 माह तक कारावास और जुर्माना भी हो सकता है। लोहीवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। फरवरी से 15 जून तक फायर सीजन शुरू हो गया है। आजकल हम मेनली फायर लाइन की सफाई कर रहे हैं, फायर ड्रिल कार्य कर रहे हैं। तो हमारे ये थानों रेंज में 6 फायर क्रू स्टेशन हैं। प्रत्येक क्रू स्टेशन में 6-6, 7-7 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। तो प्रत्येक क्रू स्टेशन जो टीम लीडर है अपने अपने जो भी उनके अंतर्गत जो फायर लेने पड़ती है उसमें फायर ड्रिल करते हैं और प्रत्येक दिन का सूचना हमें देते हैं या ऊपर प्रभागीय कार्यालय को देते हैं। तो फायर पुलिस स्टेशन में एक फायर पंजीक भी रखी गई है। प्रत्येक दिन जितने भी जो भी फायर ड्रिल का काम होता है उसमें उसका उल्लेख करते हैं, जिसका निरीक्षण उच्चाधिकारी भी करते हैं। तो फायर सीजन में अभी आजकल हम जगह जगह गोष्ठियाँ भी कर रहे हैं। जैसे आजकल जो है जल स्रोत सूखे हैं तो वाटरफॉल या जो तालाब हमने बनाए हैं जंगलों के बीच में, तो वाइल्ड लाइफ के लिए हम टैंकों के माध्यम से जो है पानी भी तालाबों में डाल रहे हैं। तो प्रत्येक ग्राम सभा में लगभग हम गोष्ठियां कर रहे हैं, सबसे निवेदन करते हैं और अपील करते हैं कि भाई आप खेतों में आड़े सुबह के टाइम पे फूकें, अपने सामने फूकें। जंगलों में जो लोग जाते हैं तो बीड़ी सिगरेट न पिएं, अगर पीते हैं तो ढंग से उसको बुझाएं। जैसे आग कहीं पे आग की सूचना होती है तो उसकी तुरंत सूचना रेंज कार्यालय को या वन कर्मचारी को दें।